कबीर जी कहते तीर्थ नाए एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल। जिस फल का अंत न हो, पुण्य के फल का अंत हो जाएगा सुख भोगेगा तो अंत हो गया, पाप के फल का अंत हो जाएगा दुख भोगकर, लेकिन सत्संग का फल अनंत फल सतगुरु की कृपा का। पुण्य तो सुख दे के नष्ट हो जाएगा, पाप दुख दे के नष्ट हो जाएगा, लेकिन सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। जिस फल का अंत ना हो ऐसा अनंत फल सतगुरु की कृपा से मुझे मिला है, इसीलिए शरीर को कैसे भी पटा पुटा कर अपनी भागा दौड़ी कर रहा। आपकी महिमा हम जानते हैं, आप इतने ठगे जाते हो तो हमारे हृदय में पीड़ा होती, इसीलिए भागे जा रहे। क्या आप न ठगे जाओ और आप असली खजाना। मेरे गुरुजी को साक्षात्कार हुआ और फिर भी पोटला लेके सिर पे, वो तो मेरे पास तो थोड़ा चमक धमक है, मेरे गुरुजी तो एकदम फक्कड़शाही। एक बार रमण महर्षि के पास पहुंचे और ये आपस में गोष्ठी हुई, आत्म विश्रांति आत्म प्रीति और आत्म तत्व का ज्ञान, परमेश्वर का, परमात्मा की सतता अचेतनता आनंदता का। तो रमण महर्षि गदगद हो गए और मेरे गुरुदेव को गले लगाया, बोले आपकी इतनी ऊंची स्थिति है फिर काय को इतना देशारटन कर रहे हो, इतना इधर उधर घूम रहे हैं, आपको क्या जरूरत है। ब्रह्म सुख मिल गया, जैसे नारायण अपने योग निद्रा में, शिव जी अपने आत्म समाधि में, वही तुम्हारी अनुभूति है। जो शिव जी की अनुभूति है, जो भगवान नारायण की अनुभूति है, वही आपकी है, फिर आप इतना भागा दौड़ क्यों कर रहे हैं। बोले मैं चाहता हूँ लोगों को भी मिल जाए। हे लीलाशाह बाबा, अगर आप ये नहीं करते तो आज सुमल को कैसे मिलता है ये खजाना, और उनके द्वारा इतने लोगों को कैसे मिलता है। महापुरुष आपके चरणों में, आपकी उदारता के चरणों बार बार प्रणाम। अगर ये उदार होकर इतना श्रम नहीं सहते और इधर उधर रटन नहीं करते तो हम उनके चरणों तक भी तो नहीं पहुंचते। ईश्वर प्राप्ति के लिए भाग जाते, घर छोड़ के फिर देखते पूजा पाठ वाले और मठ मंदिर वाले, देखते इधर भी वही हाल है, फिर घर वापस चले जाते, फिर अंदर में अशांति होती कि जिंदगी बर्बाद हो रही। ऐसे करते करते एक बार गोधरा में बापू जी आए, गुरु जी आए थे, वो दर्शन हो गए, फिर नैनीताल जाने का इच्छा हो गई और काम बन गया अपना। तो अगर वो देशारटन नहीं करते और हिमालय की गुफा में नैनीताल में बैठे रहते तो हमको तो पता ही नहीं चलता। गुरु के साथ जो श्रद्धा भक्ति वाला शिष्य साधक का बातचीत और संवाद होता है वो याद करो तो मजा आ जाए। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है और लीलाशाह बापू जी के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है। एक शाम को गुरुजी सुबह शाम नैनीताल के जंगल में जब कुटिया थी वहाँ रहते थे, तो हम भी साथ में कुटिया में रहते थे। बापू जी घूमने जाते, मेरे को भी ले जाते साथ में। बता दूं क्या है, मेरे गुरुजी का संस्मरण करता हूं नहीं तो मेरा मन खिल जाता है। नैनीताल में ऑब्जर्वेटरी है, ग्रह नक्षत्रों का चित्र लेती है वैद्यशाला। जिसने देखा है नैनीताल या सुना है, देखा है वो हाथ ऊपर कर, ऑब्जर्वेटरी जरूर देखा होगा, है ना, हनुमानगढ़ी के पास। तो ऑब्जर्वेटरी हनुमान के गढ़ी के बीच थोड़ा पहाड़ी में अपना गुरुजी का कुटिया थी। तो शाम को, अब वहाँ तो पहाड़ियों में तो ठंडक में तो 4 बजे ही शाम हो गई, 4 बजे घूमने निकल पड़ो, 4:30
तो हम घूमने निकले गुरु जी के चरणों में पीछे पीछे। तो कुछ लोग नैनीताल घूमने आए थे, जो लोग दो परिवार थे, और भी कुछ लोग होंगे, 8-10 लोग थे कुल मिला के। वो ऑब्जर्वेटरी जाते जाते पगडंडी कहीं भटक गए थे, तो जंगल में घूम। तो हमारे गुरुजी तो जरा कच्छा पहने हुए थे, हाँ भाई ऐसा हमारे कपड़े भी ऐसे ही फकड़शाही। तो उन्होंने आवाज़ लगाया, ए कुली इधर आना, ए कुली इधर आ। हमारे गुरुजी चले तो हम भी गए साथ में। सुन रहे हो, बोले वो ऑब्जर्वेटरी दिखते है, कौन सा रास्ता है उधर पगडंडी हम भूल जाते हैं बच्चे बाल। तो हमारे साईं ने कहा चलो हजूर हम दिखा देते हैं। तो गुरुजी आगे, हाँ पगडंडी तो पगडंडी होती है, उनके पीछे पीछे सब लोग, और हमें एकदम पीछे गार्ड का डब्बा बना दिया मैंने। इंजन तो बने गुरुदेव, अब बीच में सारी लाइन, और हम एकदम आखिरी में। तो गुरु जी तो यूं यूं चलते गए। तो माइयां बोले अब उनको पता नहीं था कि सिंधी भाषा जानते हैं बापू जी हैं दोनों से, वो सिंधी परिवार। अरे ये मुआ कैसा जल्दी जल्दी चलता बुड्ढा, बोले देखने में तो बुड्ढा है कितना तेज चलता। फिर मेरे से सहा नहीं गया, मैं क्या इनको पाप न लगे, ऐसा ब्रह्म स्वरूप निर्दोष नारायण, नारायण की छाती पे खेलने वाले ब्रह्म ज्ञानी पे लिया ऐसा भक्ति है। तो फिर मैंने उनको बोला भाई आप तो सिंधी में ही बोला, आप सिंधी हैं, सिंधी में ही मैंने बोला। अरे हाँ तो तुम भी सिंधी है, मैं क्या हाँ 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 सिंधी। तो फिर मैंने पूछा आपने परम पूज्य लीलाशाह प्रभु का नाम सुना है? अरे बोले वो तो बहुत बड़े संत हैं, वो कहीं नैनीताल में किधर रहते हैं जंगल में, हमने नाम सुना है दर्शन नहीं किया। हाँ वो दर्शन हुआ है तो भी अभी तक दर्शन नहीं किया। धीरे से हमने उनको बोला कि वो ही है साईं, अब मैं उनका सेवक हूँ। अरे कि साईं 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 तो आप लीला शाह जी हैं? बोले हाँ लीला बोलते हैं इसको, शरीर को लीला बोलते हैं। अरे साईं ऑब्जर्वेटरी नहीं देखनी आपकी, कुटिया दिखाओ साईं, माफ करो क्या अगड़ बगड़ करे। तो साईं ने गाड़ी का ट्रैक बदला, पगडंडी यूं बदली, तो फिर पहुंच गए कुटिया पे आश्रम। दो 5-10 मिनट सत्संग वत्संग सुने, घूम के फिर सत्संग होता ही था, सुना शाम का सत्संग। वो बोले अच्छा हुआ कि हम भटक गए जंगल में ऑब्जर्वेटरी का, तो अगर रास्ता मिलता तो हम ये सब मौके से कैसे गदगद हो गए। वो जबलपुर के लोग थे, ऐसे घाट वाले बाबा, वो भी बड़ी ऊंची स्थिति के धनी थे। जो भगवान कृष्ण अपने को आत्म रूप से जानते थे, वही घाट वाले बाबा अपने को जानते थे। जहाँ भगवान शिव की स्थिति है, वही ब्रह्मज्ञानी की स्थिति होती है। जैसे ब्रह्मज्ञानी शिव जी अपने विग्रह को मैं नहीं मानते, अपनी असलियत को मैं मानते जानते, भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप को मैं जानते। असली स्वरूप अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, वो सामान्य आदमी समझ भी नहीं सकता, तो अंतरात्मा की यात्रा वालों का अनुभव होता है। तो घाट वाले बाबा भी ऐसे थे। हमारे गुरुजी और घाट वाले बाबा का मुलाकात हुआ तो दोनों, मेरे गुरुदेव और घाट वाले दोनों परस्पर सम ऊंचाई हुए। तो गुरुजी का शरीर शांत हो गया, तो फिर मैंने उनसे दोस्ती की। गुरु तो एक होता है, दूसरा गुरु कैसे बनाऊंगा।
पति चला गया तो पतिव्रता कोई दूसरा पति करेगी क्या? ऐसे ही सदगुरु का शरीर नहीं है फिर भी सदगुरु तो तत्व रूप में साथ में थे, तो घाट वाले बाबा को मैंने मित्र बना लिया तो वो भी ऐसे जंगल में जाए बैठे बिल्केश्वर महादेव की तरफ उधर जंगल में, ओ बाबा बाबा बोले कहा है कि हमारी जरा भैंस जंगल में चली गई है खो गई है मिले तो जरा हाँक देना कहाँ भगवान की छाती पे खेलने वाले महापुरुष और कहाँ आज्ञा लोग हैं बाबा जरा हमारी भैंस उधर मिले तो जरा हाँक के ले आए, आप तो उधर बैठ के आओगे नहीं तो हाँकते आ जाए, किसी का घोड़ा चरते चरते आगे निकल गया तो मेरे को बताते कि मेरे को बेसा बोलते, फिर मैं क्या फिर क्या करते, अरे बोले फिर देखता हूँ उधर उधर टहलने जाता हूँ दिखता है तो जरा हाँक देते अपना क्या बिगड़ता है धन्य तैसे तुलना के न जाए थे ऐसे निर्दोष निरहंकार नारायण रूप शिव रूप राम रूप कृष्ण रूप सभी रूप और अरूप ब्रह्मज्ञानी को कौन पहचाने। घाट वाले बाबा को बोलते हैं कि बाबा जरा वो देखना हमारी भैंस हो तो हाँक के ले आना, बाबा खूब घोड़ा खो गया जरा मिले तो जरा इधर कर लेना, वो बाबा कर लेते। ऐसे एक दूसरे महात्मा को मैंने देखा नहीं था, ये दो नर रत्न तो क्या ये दो भगवान तो मैंने देखे थे, लीलाशाह भगवान घाट वाले भगवान को तो मैंने अच्छी तरह से देखा था, उनके शरीर का भी स्पर्श किया, उनके हाथ से खाया भी खिलाया भी। तो एक बार दिशा में हम रहते थे उन समय गुरुजी का वहाँ आना हुआ, दिशा से 27-28 किलोमीटर दूर एक गांव है धानेरा, तो उस भक्त का कोई मनोकामना पूरी हुई थी तो उसने कई बीघा जमीन लेकर और उसमें बापूजी का एक मंदिर खड़ा किया था, तो उस मंदिर का ओपनिंग था तो बापूजी वहाँ आए तो फिर मैं वहाँ पहुँचा। तो मेरे मन में होता था कि मेरे को मैं हूँ तो आत्मा जो जैसा भी साक्षात्कार जो है वो तो ठीक है, लेकिन साईं को इतने लोग मानते और मेरे को तो कोई पूछता नहीं साईं के द्वारा इतने कार्य हो रहे हैं अपने को चाहिए अपना ध्यान क्या अपना आनंद आया दूसरे को दूसरे का भलाई कर रहे तो जरा जैसे संशय हो जाता है थोड़ा सा। तो 4:30 बजे होंगे सुबह के करीब, गुरु जी तो 4:30-4 बजे उठ जाते आसन वासन करते फिर कोई सेवक पढ़ता और गुरु जी अपना अंदर सुनते, हमारा भी ऐसे ही होता है सेवक सुबह पढ़ता है हम अंदर सुनते रात को भी पढ़ता है योग वशिष ऐसा हम सुनते सुनते फिर उसी में सो जाते। तो सुबह प्रभात वेला वो एक पढ़ रहा है मैं और दूसरा उनका बापूजी का जो सेवक और दो तीन सुन रहे हैं, मतलब गुरुजी भी सुन रहे हैं और चेले जी भी सुन रहे हैं और एक चेला पढ़ रहा है। तो गुरुजी को क्या सूझा, मैंने बोला नहीं था गुरुजी को, बोले कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को साक्षात्कार हो गया है तो ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, उठाया एक ग्रंथ वहाँ सुबह सुबह, मेरे को नहीं कहा कि तू बोलता है, बोले लोग बोलते हैं कि भाई साईं जी साईं लीलाशाह जी जो हैं वही आत्म रूप में मैं हूँ मेरी भी वही स्थिति है, लोगों को ऐसा संशय होता है। ए देखो भाई, फिर मेरे तरफ यूँ तेरा युक्ति से देख के फिर सबको दो चार जो बैठे थे, भाई देखो लीलाशाह गीता सिर पर रखता है और मैं कसम खाता हूँ भाई जो मैं हूँ वही तू है मेरे सामने हाथ करके, ऐसा वो
कांटा खटाक से निकल गया। संशय सबको खात है, संशय सब का पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। तो कबीरा मन निर्मल भयो, संदेह रहित तो मन निर्मल हो गया, अपने आत्मा में स्थिति हो गई, संदेह रहित हो गए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। उस दिन से तो ऐसी मस्ती, फिर अब सोचता हूँ कि अगर पब्लिक फायदा लेती है तभी हम पक्के हुए, तो अभी तो देखेंगे गुरुजी आ जाएं तो गुरुजी को संशय होगा कि ये पक्के कि हम पक्के, क्योंकि गुरुजी के पास जितना माहौल जितने सत्संगी थे उससे सैकड़ों गुने मेरे ज़्यादा हो गए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ज़्यादा शिष्य हो गए तो मैं बड़ा गुरु बन गया, मेरे गुरु जी छोटे गुरु हैं, गुरु गुरु होते हैं।